दोस्तों, टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली आईकू ने अपना नया स्मार्टफोन आईकू G5 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में इसी फोन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आईकू कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है वो एकदम धमाकेदार डिवाइस ही होती है, बट इस बार जो आईकू G5 है इसको आईकू G3 का सक्सेसर भी बोल सकते हैं। लेकिन सब कुछ इसमें होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कमियां इन्होंने छोड़ दी हैं जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। तो वो ऐसी कौन सी कमी है वो आपको सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये पूरा एंड तक पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल्स में बात करता हूँ इसी आईकू G5 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 8GB 128GB की 23,990 रुपये, और इसमें आपको एक और हाईर वेरिएंट देखने को मिलेगा, वो है 12GB 256GB जिसकी प्राइस है 26,990 रुपये। लेकिन जब इसकी सेल होगी 3 अक्टूबर से अमेजन पे, तो उसमें आपको बैंक का ऑफर भी कुछ मिल जाएगा, मतलब 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको 22,490 या 22,000 के आसपास भी मिल सकता है। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको LPDDR5 रैम सपोर्ट मिल जाता है, और स्टोरेज सपोर्ट जो है वो UFS 3.1 मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें आपको लेटेस्ट रैम सपोर्ट और स्टोरेज सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन स्विच करने का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और कमाल का देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसकी डिस्प्ले पे। तो इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। इसमें HDR10 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो मिलता है आपको 120Hz का, और जो टच सैम्पलिंग रेट है वो आपको 240Hz का देखने को मिल जाता है। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वो मिलती है आपको 650 nits की पीक ब्राइटनेस। तो यहाँ पर जो छोटी सी चीज़ आपको निराश करती है वो है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि अगर 25,000 की रेंज में कोई स्मार्टफोन आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे अगर IPS डिस्प्ले मिले तो फिर निराश तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इतनी रेंज में कम से कम एमुलेट पैनल या सुपर एमुलेट डिस्प्ले तो देना ही देना चाहिए। और जो ब्राइटनेस है ना वो भी एटलीस्ट 1000 nits का पीक ब्राइटनेस होना चाहिए। वैसे तो डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एमुलेट पैनल होता है ना तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे 64MP मेन कैमरा और जो 8MP है वो अल्ट्रा वाइड और 2MP मैक्रो लेंस के लिए दिया गया है। अब ये 2MP का ना मुझे समझ नहीं आता कि जो मोबाइल कंपनी है वो ऐसा लगता है कि मोबाइल्स के लिए 2MP को इसका ऑक्सीजन समझती हैं कि अगर ये वाला कैमरा नहीं देंगे तो भैया मोबाइल डेड हो जाएगा। तो यार ऐसा नहीं होता है, 2MP पता नहीं क्यों चिपकाते रहते हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी खैर, इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का सपोर्ट मिल जाता है, सुपर नाइट कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें जो सेंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा सैमसंग GW3। तो जो फोटोग्राफी वगैरह रहेगी वो काफ़ी अच्छी आपको इससे देखने को मिल जाएगी, और 4K का भी सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। सेल्फी की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो इसमें जो आईकू G3 से कहें कि थोड़ा कैमरा अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड सिर्फ डिज़ाइन के मामले में है, क्योंकि उसमें आपको नॉच वाला कैमरा मिलता था, इसमें आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें मिलती है आपको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी, और जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में आपको मिल जाता है 44W का जो फास्ट चार्जर। तो चार्जर थोड़ा सा डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आईकू G3 था उसमें आपको 55W का चार्जर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 44W का ही चार्जर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बैटरी थोड़ा सा बढ़ा दी और चार्जर कम कर दिया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 778G 5G ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें मतलब गेमिंग वगैरह आप करेंगे तो कोई भी लैगिंग स्टटर या हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो प्रोसेसर है ना, आजकल 25,000 की रेंज में या कहीं 30,000 की रेंज में बहुत सी कंपनियाँ इसको यूज करने लगी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और इसमें आपको मिलता है GPU Adreno 642L, और जो इस फ़ोन में आपको अलग से गेमिंग मोड भी मिल जाता है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। मतलब इस फ़ोन में अगर आप गेमिंग करेंगे ना तो आपको कोई भी हीटिंग इशू नहीं देखने को मिलेगा, या फिर कहीं ये स्पेशली जो फ़ोन है गेमिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। बाकी जो प्रोसेसर है ना आईकू G3 से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड आपको इसमें देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस भी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको इसमें देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको डुअल 5G वोल्टी का सपोर्ट और ब्लूटूथ वर्जन 5.2। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और फेस अनलॉक भी मिल जाता है, और जो जरूरी सेंसर्स होते हैं जैसे जायरो, एक्सेलेरोमीटर, ये सारे सेंसर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है फनटच OS 12 के साथ, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पर। तो इसमें कस्टमाइज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, या आप कहें काफ़ी स्मूथ UI इसमें देखने को मिल जाती है। और इस फोन में आपको एक एक्स्ट्रा अलग से फीचर्स दिया गया है, वो है रैम एक्सटेंडेड का।
तो इसमें जो है ना आप 4GB रैम तक अपनी बढ़ा सकते हैं रोम से। तो जो जैसे 8GB रैम है तो उसको एक्सटेंड करके आप 12GB तक कर सकते हैं। तो इससे जो है इस फ़ोन का जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो एप्लीकेशन स्विच करने का या गेमिंग का जो भी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 3D डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। तो मतलब साउंड क्वालिटी रहेगी या फिर कहीं बेस क्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको इससे मिलेगी। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें बैक साइड में काफ़ी आपको प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। थिकनेस की बात करें तो ये फ़ोन आता है 8.5mm थिकनेस के साथ, और जो इसका वेट है वो रहेगा 193 grams। तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग सकता है, लेकिन जो थिकनेस रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब काफ़ी स्लिम फ़ोन आपको ये देखने को मिलेगा, और ये आपको दो खूबसूरत कलर में भी देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि जो iQOO G3 था उससे कितना ज़्यादा ये अपग्रेड है। वैसे तो उसकी जो iQOO G3 की जो प्राइस थी वो तो 20,000 के आसपास थी, और इसकी जो प्राइस है वो 25,000 के आसपास है। इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसके फीचर्स भी iQOO G3 से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कहीं कहीं पर ये मतलब जो है निराश करता है। मतलब वही जो मैंने आपको दो कमियां इसकी बताई जो मिलती हैं आपको डिस्प्ले के बारे में, कि 25,000 की रेंज में आपको AMOLED पैनल देखने को नहीं मिलता, जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल इस वाले फ़ोन को iQOO G5 को कह सकते हैं कि पावर पैक डिवाइस है, क्योंकि डिस्प्ले से उतना ज़्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर ये कहें कि जो iQOO G5 है ये रियल किलर हो जाएगा OnePlus Nord CE का, या फिर OnePlus Nord जो पहले लॉन्च हुआ था उसका, क्योंकि जो OnePlus Nord CE था वो मतलब काफ़ी डाउनग्रेडेड फ़ोन लगता है 25,000 की रेंज में, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं iQOO G5 में। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा, या फिर अभी भी OnePlus Nord की तरफ जाएंगे, या फिर iQOO G3 ही अच्छा था, या फिर iQOO G5 उससे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।